आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स आपको करनी चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब्स करनी चाहिए। बेसिकली इससे भी ज्यादा आगे जाके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स क्यों आपको नहीं करनी चाहिए। कंपैरेटिवली मैं यार इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई आप में से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, किसी को आईएएस बनना है या ऐसा कुछ है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप केपेबल हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ यार कि गवर्नमेंट जॉब से क्यों मेरे ओपिनियन में प्राइवेट जॉब में जॉब लेना थोड़ा ज्यादा ईजी है आज के टाइम पे, राइट। एक अच्छा पैकेज मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी, जैसे आपने यही सुना होगा कि घर वाले तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, और आपने फिर अपने आप से ये चीजें देखी होगी कि यार आजकल तो रिसेशन आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में, चलो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे अच्छी चीज है। यार देखो मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है, पता है दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल भी कई बार वेट करते हैं, उसके बाद शायद जॉब लगती है। उसके बाद भी कितने की जॉब लगती है, 60,000, 70,000, 1,00,000। अगर आज के टाइम पे आप कोई भी छोटी मोटी जॉब भी अगर पकड़ लेते हो, छोटी मोटी भी नहीं, ठीक ठाक जॉब भी अगर आप ले लेते हो, 30,000 से 40,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो, तो आप बहुत ही आराम से कुछ सालों में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास तब टाइम भी है। नॉट टू मेंशन उन सालों में भी आपने पैसा कमाया, राइट। प्रिपरेशन जब आप ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के किसी की कर रहे हो, तो इट इज नॉट दैट कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है बाद में एक अच्छा पैकेज लग जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितने साल प्रिपरेशन कर रहे हो कितना ज्यादा पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे, बट कितना ज्यादा पैसा कंज्यूम कर रहे हो, राइट, अपने पेरेंट्स का। तो गवर्नमेंट जॉब मेरे अकॉर्डिंगली यार आपको कब करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, यार ऑब्वियसली सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो होता है कि यार मेरे को आईएएस बनना है, ठीक है, उससे नीचे बाद में सोचते हैं। तो यूपीएससी का एग्जाम तो यार ऑलमोस्ट सब देने की कोशिश करते हैं, सब देते ही है जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। यहाँ पे मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ठीक है। जेई एडवांस बहुत मुश्किल सी चीज होती है, बहुत मुश्किल लगता है। अंडर 1000 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। अंडर 10,000 रैंक में आपका जेई एडवांस में कुछ ना कुछ आईआईटी में मिल जाता है कहीं ना कहीं, मतलब 10,00,000 बच्चे पेपर देते हैं, 1% सिलेक्शन पे शुरू। भाई इसका और भी बुरा होता है, अगर आपको आईएएस बनना है, आईएएस छोड़ो, आपको अगर बेसिकली आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और फिर मेंस क्वालिफाई करके अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हो तो सबको आईएएस नहीं मिलता पहली बात तो, पर चलो जो भी मिलता है बहुत जबरदस्त होता है। कितना कम रेशो है उसका, कितना कम सिलेक्शन रेशो है उसका, एंड नॉट टू मेंशन वहां पे बड़े बड़े लोग भी आपसे कम्पीट कर रहे होते हैं, आज सच की वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। जेई एडवांस में तो यार आपको पता है कि हाँ 11th मतलब जो 12th पास आउट अभी बच्चा है वही पेपर दे रहा है, या फिर मैक्सिमम एक मैक्सिमम दो ड्रॉप मारे होते हैं, राइट। तो उसमें इतना ज्यादा आपका कॉम्पिटिशन नहीं रहता, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। एंड बाकी सरकारी एग्जाम्स में भी यार सीटें ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, नॉट टू मेंशन सैलरी बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या ओपिनियन रहेगा, ऑफकोर्स मैं फिजिक्स वाला मैं आज टीचर बनाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल है, बैंकिंग वाला, एसएससी वाला, यूपीएससी वाला, एमपीएससी वाला, बीपीएससी वाला, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं एंड अच्छी खासी उनकी हेल्प हो रही है डेफिनेटली। बट आई वुड से कि अगर आप स्पेसिफिकली अगर यूपीएससी की मैं बात करूँ, आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए डेफिनेटली करो। अगर देखो आपने कैलिबर बहुत है, ये तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, फिर तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कैलिबर है लेकिन अभी तक आपने रिजल्ट में उस चीज को कन्वर्ट नहीं किया है, राइट, तो यार आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मतलब क्या आपके घर पे अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, क्या आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं ताकि वो आराम से आपको 1-2 साल और अच्छे से मतलब बिना किसी दिक्कत के रख सके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, राइट। अगर ऐसा है कि मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी द मेन अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली फॉर द नेक्स्ट 4-5 years और सो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन प्रिपेयर। बट अगर ऐसा सीन है कि यार ऑलरेडी मतलब आपके घर पे इतना अच्छा पैसा कोई नहीं कमा पा रहा है एंड आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली यार इस रूट पे मत जाओ अनलेस अनटिल आप बहुत केपेबल हो और आप जान लो कि आपको बहुत अच्छा कैलिबर आप कर सकते हो। दूसरी चीज, एक चीज तो आप 100% कर सकते हो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे बीटेक में 4th ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट लग जाती है अच्छे बच्चों की, तो वैसे भी लगी जाती है, तो उसके बाद पूरा एक साल हमारे पास रहता है खाली, तो उस साल में तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर ही सकते हो, तो उसके बाद कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यार आप हमेशा तब करो या तो जिस समय आपका स्पेसिफिक कोई टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, राइट, आप कॉलेज के अंदर रह के ही कर रहे हो विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग एल्स, या फिर अगर आप बाद में कर रहे हो तो जस्ट बी श्योर कि यार काफी आपका पैसा कंज्यूम होने वाला है सिर्फ प्रिपरेशन के अंदर। एंड अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों प्राइवेट जॉब्स मेरे हिसाब से बेटर है। यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको बात बता देता हूँ। प्राइवेट जॉब्स के अंदर मान लो आपने क्या क्या 12th क्लास के बाद आपको इंजीनियर बनना है,
तो सबसे मेन चीज आप क्या करते हो, जेई का एग्जाम देते हो, एडवांस छोड़ो, मान लो आपकी मेंस में रैंक नहीं आई, आपकी रैंक आती है 2 लाख 3 लाख, आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होता, आपको कोई भी एनआईटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज में पहली बार इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, टीयर 2 में भी कोई ऐसी आज तक बड़ी बात नहीं है, टीयर 3 में तो डायरेक्टली वॉक इन एडमिशन आपका हो जाता है। वहां भी जो आपका सिलेक्शन रेशियो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट इज हायर देन गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट, सीएससी की बात कर रहा हूं मैं, टीयर 2 कॉलेजेस में, वहां पे भी यार आप ऑफ कैंपस जाके फोड़ सकते हो अच्छी खासी प्लेसमेंट्स एंड आपका एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। नॉट टू मेंशन फिर आप वही चीजें पढ़ोगे जिसके बारे में आपको क्या कहते हैं, अगर आप अच्छी ब्रांच ले लेते हो तो उसी चीज में आपको यार आगे जाना है, तो आप वो वाला उस रूट पे भी जा सकते हो। फिर अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार जिन्होंने 12th में बिल्कुल ही बेकार नंबर होते हैं एंड उसके बाद ओपन कॉलेज में जाते हैं, ओपन कॉलेज आते हैं कि बस एग्जाम से, एग्जाम के दिन हम वहाँ चले गए, कॉरेस्पॉन्डेंट से कॉलेज उन्होंने कर लिया, रोज नहीं जाते वहाँ पे, सिर्फ एग्जाम देने चले जाते हैं, राइट, उसकी फीस भी कम होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, हालांकि उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं होती, बस डिग्री मिल गई, ऐसा सीन समझ लो। तो ये भी आप डेफिनेटली काफी लोग करते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है यार, इसके बाद आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा उसमें भी कमा सकते हो। एंड ऐड टू दैट, अगर आप इंडस्ट्री में काफी टाइम रहते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है, तो आपको यार टीम लीडर बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सैलरी आपकी ऊपर हो जाती है। तो ये बेसिकली मेरा एक टेक है, मेरा ओपिनियन है कि मेरे अकॉर्डिंग यार इट इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, बट 100% ओवररेटेड है, एंड हमारे माँ बाप को कुछ ज्यादा ही प्यार होता है गवर्नमेंट जॉब से, एंड कि भाई वही सबसे सही चीज, सबसे सही चीज है, वही स्टेबल है, ऐसा यार कुछ भी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी अच्छी होती है, राइट, आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है और बेटर भी मिल जाए आपको किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में यार मेरा ओपिनियन लेना या फिर आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली कॉमेंट्स में बता सकते हो।